मेरी वही तरफ है। आपने देखा होगा कई दिनों से बोलते हुए साहब का पठान ने क्या काम किया। देखो मेरा एक जज्बात है और मेरा एक शौक है। पुलिस का 3 साल पहले मैंने नारे गांव के अंदर में मैंने खुद अपनी जाति मकान को बेचकर मैंने खिदमत खल्क किया। बहुत से लोग मुझे दिक्कत लाने की कोशिश भी करेंगे, तरह तरह के मेरे साथ में बहुत से दिक्कत भी आएगी, लेकिन आपकी दुआ मेरे साथ में है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ में, जनता औरंगाबाद की जनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की ताकत से टकराने के लिए तैयार हूँ। चाहे बड़ी मेरे साथ में पहाड़ आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ जाए, मैं इंशाअल्लाह उसको रोंगते हुए जो है तो मंजिल को तय करूं। फिर मैं एक जनता को, हमारे आवाम को, औरंगाबाद की जनता से फिर एक मरतबा मैं एक वादा कर रहा हूँ, मैं आखिरी सांस तक और फुल ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फॉर्म लेकर आया हूँ, और तमाम मैंने 2 बजे एक मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं फॉर्म लेकर आया हूँ, तो तमाम औरंगाबाद की जनता तक ये बात पहुँच चुकी है। और पहला मेरा आज इंशाल्लाह रात में 9 बजे इस्तकबाल प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जिसने मेरा इस्तकबाल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शुरुआत है। आज मेरे साथ में औरंगाबाद की जनता है, मुझे विश्वास है, और मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से एक अपील करता हूँ, मेरे लिए दुआए खैर कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ताकि मैं अपनी मंजिल तय कर सकूँ। मैं इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरा मकसद कोई दूसरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एक खिदमत खल्क है। मैं चाहता हूँ कि अवाम की खिदमत करूँ, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, तमाम औरंगाबाद की जनता की मैं मेरे दिल की गहराई से मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी वही तरफ है। आपने देखा होगा कई दिनों से बोलते हुए साहब का पठान ने क्या काम किया। देखो मेरा एक जज्बात है और मेरा एक शौक है। पुलिस का 3 साल पहले मैंने नारे गांव के अंदर में मैंने खुद अपनी जाति मकान को बेचकर मैंने खिदमत खल्क किया था, और तमाम नारे गांव की जनता के मसले सॉल्व किया था ताकि उनको चलने फिरने की दिक्कत ना हो और उनको परेशानी ना हो। फिर उसके बाद 3 साल के बाद मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है तो वहाँ पे चलने फिरने के बारिश के मौके पे बहुत दिक्कत थी, वो मैंने काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जो है तो मरम डालकर जीसीबी घुमा कर काम करके उनको दिया हूँ। और इससे पहले जो मसला हमारा कचरा टिपो का था नारे गांव के अंदर, जब मैं कांग्रेस के अंदर था, यानी हमारे साथ में सत्तार सेठ, कल्याण काले और बहुत दिगर जो है तो पार्टी यानी उसके जिम्मेदार कांग्रेस के तमाम हमारे साथ में थे, हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया और नारे गांव का डिपो को वहाँ से हटाने का काम किया है, कब्रिस्तान का काम किया, तमाम घाटियों के अंदर जो है तो अवाम को सहूलतें दिलाई, और तमाम तरह तरह के मैंने काम बहुत से किया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे खिदमत का मौका दे, तो तमाम मेरी औरंगाबाद की जनता से मेरी एक अपील है, दोनों तरफ से मुझे ताउन किया जाए और मुझे दुआओं के अंदर शामिल किया जाए। आपकी दुआ के बदौलत हो सकता मैं आपकी खिदमत करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एक जनता को, हमारे आवाम को, औरंगाबाद की जनता से फिर एक मरतबा मैं एक वादा कर रहा हूँ, मैं आखिरी सांस तक और फुल ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। बहुत से लोग मुझे दिक्कत लाने की कोशिश भी करेंगे, तरह तरह के मेरे साथ में बहुत से दिक्कत भी आएगी, लेकिन आपकी दुआ मेरे साथ में है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ में, जनता औरंगाबाद की जनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की ताकत से टकराने के लिए तैयार हूँ। चाहे बड़ी मेरे साथ में पहाड़ आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ जाए, मैं इंशाअल्लाह उसको रोंगते हुए जो है तो मंजिल को तय करूंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है मुझे, सिर्फ वल्ली वन आप दुआ करो, इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं अगर से रब्बुल इज्जत ने मेरे सर पर तख्त व ताज का अगर से उसने लिख दिया होगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ मुझे मेरे रब्बुल इज्जत पे भरोसा है,
उम्मीद है अल्लाह के जात से, ज़रूर अल्लाह जो है तो हर चीज़ के अंदर मेरी मदद करते रहेगा, चाहे कैसे भी हालात आएंगे अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। और आई भी मैंने देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हक के साथ हूँ। हाँ, गलत में होता तो मेरे साथ में अल्लाह की मदद नहीं होती, लेकिन मैं हक पर हूँ, आज भी मैं हक पे हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी मैं हक पे चलूँगा। और इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ में, यानी इखलास के साथ में मैं काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं, औरंगाबाद तक देखते रहें, नाम न बदल जाए जब तक। कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद। हमारी तीन पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले, तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाई जान, थैंक यू जी।